कमान के मुख्यालय उधमपुर में आज अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेना में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को गैलेंट्री और अन्य वीरता सम्मानों से नवाजा गया। इस मौके पर उत्तरी कमान के जीओसी इनसी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने ये सम्मान सेना अधिकारियों और जवानों को दिए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर सेना की उपलब्धियों और जवानों और अधिकारियों की वीरता का उल्लेख भी किया और कहा कि सेना हर मोर्चे पर अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। अधिकारी ने अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए घेराबंदी में फंसे 12 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों की गोलाबारी के बीच से बाहर निकाला। आतंकवादियों ने अधिकारी और उनकी पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्यवाही में अधिकारी ने एक आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। अदम्य साहस, असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट कार्य कुशलता का परिचय देने के लिए मेजर मयंक विश्नोई को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। पत्नी श्रीमती स्वाति गुप्ता। नौशेरा इलाके में दुश्मन ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जवाबी कार्रवाई में रेंगते हुए अपनी पोस्ट से आगे बढ़े और कारगर फायर से दुश्मन की फायरिंग पोजीशन को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया। इसी दौरान वह घायल हो गए और सेना की उच्चतम परंपराओं को कायम रखते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अदम्य साहस, असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देने के लिए सूबेदार सुखदेव सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता सांप्याल। नायब सुबेदार राजविंदर सिंह बलिदान दिया। अनुकरणीय नेतृत्व, अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता का परिचय देने के लिए नायब सुबेदार राजविंदर सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनप्रीत कौर। बटालियन द कुमाऊ रेजिमेंट मरणोपरांत। एक चौकियों को भारी नुकसान हुआ। कार्यवाही के दौरान दुश्मन का एक आर्टलरी का गोला उनके नजदीक आकर गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अदम्य साहस, असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देने के लिए हवलदार गोकरण सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी। रेजिमेंट मरणोपरांत 13 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में दुश्मन के संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान वे 160 mm मोर्टार टुकड़ी के नंबर एक के रूप में तैनात थे। उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों को सटीक और प्रभावी फायर से नष्ट कर दिया। अपनी टुकड़ी और साथ ही सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना के उच्चतम परंपराओं के अनुसार अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के प्रति समर्पण पत्नी श्रीमती बोकुल रॉय।
ने स्वचालित हथियार का कारगर फायर कर दो दुश्मनों को मार गिराया, सुनिश्चित करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए। अनुकरणीय नेतृत्व एवं असाधारण वीरन करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजवंती देवी। बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत क्षेत्रों में आधारभूत स्तर पर विकास की गतिविधियों में सहायता करते हुए सिविल प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्यों को और भी अधिक सुलभ बना रहे हैं। सभी वर्गों और संस्थाओं के सामूहिक तालमेल, समन्वित प्रयास और आपसी भागीदारी से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं विशेष रूप से उन सभी पुरस्कार विजेताओं के परिवार का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी वीर नारियों की सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों की अपूर्णीय क्षति को बहादुरी के साथ कबूल किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे तथा आपको पुनर्वासित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर उत्तरी कमान के सभी पदों का आवाहन करता हूं कि वे आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मोर्चों पर विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने हेतु तैयार रहें। संपूर्ण राष्ट्र का विश्वास हम पर है और हमें अपने देशवासियों द्वारा रखी गई आशाओं और विश्वास पर खरा उतरना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के अवाम, सिविल प्रशासन और मीडिया के सदस्यों का उनके समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों के आपसी सहयोग और मेल मिलाप से ही इस क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी और बदलाव आएगा। हमें इस क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हम सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला कल इस क्षेत्र के लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां और शांति प्रदान करें। जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.